अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जुहैब मोइन और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। देखें, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है, जिस सॉफ्टवेयर पे हम काम करेंगे वो है InPage। तो InPage बेसिकली जो होता है वो उर्दू टाइपिंग के लिए होता है। तो अगर हमें कोई चीज़ अपना उर्दू में टाइप करना होता है, कोई मैटर, कोई लेटर, कोई एप्लीकेशन वगैरह, तो हम आसानी से इसके ऊपर, InPage के ऊपर हम टाइप कर सकते हैं। तो चलें देखते हैं किस तरीके से हम टाइप कर सकते हैं। InPage का सॉफ्टवेयर जो होता है वो InPage 2009 के नाम से होता है, InPage XP के नाम से होगा, मुख्तलिफ नामों से होगा। ये देखें, ये हमारी InPage की एप्लीकेशन ओपन हो गई है। अब इसके यहाँ पे पेज नहीं आ रहा। इस पे पेज लाने के लिए सबसे पहले हम किस पे जाएंगे, फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद हम किस पे क्लिक करेंगे, न्यू पे। न्यू के बाद ये न्यू डॉक्यूमेंट की एक एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। इधर से हमें किसी चीज़ को कुछ नहीं करना, सिंपल से बस यहाँ से ओके कर देना है। ये हमारा एक InPage का पेज आ गया जिसमें हम आसानी से उर्दू टाइप कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ तो बहुत ही स्मॉल, छोटा छोटा लिखा हुआ आ रहा है। इसके लिए तो फिर हमें अपने फाउंट के साइज को बड़ा करना पड़ेगा। फाउंट के साइज के लिए आप ये देख रहे हैं जहाँ पे 12 लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ से हम अपना फाउंट का साइज बड़ा कर सकते हैं। 12 है फिलहाल, मैं यहाँ से इसको 24 कर देता हूँ ताकि ये हमें ज्यादा बड़ा बड़ा दिखे। तो ये मैंने 24 पे क्लिक कर दिया। अब मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ तो देखें ये साइज फाउंट का बड़ा लिखा हुआ आ रहा है। इससे बड़ा भी हो सकता है लेकिन इतना काफी होता है फाउंट के साइज के लिए। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे, आपको उर्दू टाइपिंग नहीं करना आती, आप पहली दफा सीख रहे हैं, आपको नहीं पता, तो आसान है इसके लिए, आसान है कि हम क्या कर सकते हैं, हम इसके ऑप्शंस में एक जाते हैं एडिट। एडिट पे जाने के बाद हम क्लिक करते हैं प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस में सबसे लास्ट में लिखा हुआ है कीबोर्ड प्रेफरेंसेस, इस पर मैंने क्लिक करा। देखें यहाँ पे हम जो यूज़ करते हैं आसानी से, जिसमें इंग्लिश और उर्दू के लेटर काफ़ी हद तक मिलते हैं। जैसे अगर मैं ए प्रेस करता हूँ तो अलिफ ही आएगा, एस प्रेस करता हूँ तो सीन आएगा, ई प्रेस करता हूँ तो एन आएगा। तो उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं कि कीबोर्ड, फोनेटिक कीबोर्ड यूज करते हैं। कौन सा, वैसे इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, फारसी, अरबी, कश्मीरी, लेकिन हम कौन सा यूज करते हैं, इसमें और भी होते हैं लेकिन हम कौन सा यूज करते हैं, फोनेटिक कीबोर्ड। फोनेटिक पे क्लिक करा और यहाँ पे जब इसका व्यू आपने चेक करना है कि कौन से लेटर में कौन सा उर्दू का वर्ड आएगा, तो इसके लिए आपने फोनेटिक कीबोर्ड व्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। देखें ये हमारा एक एप्लीकेशन ओपन हो गई है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि कैपिटल ए से आपका जो अलीफ के ऊपर मद होता है वो आ रहा है, स्मॉल ए से अलीफ आता है, एस से स्वाद आता है, स्मॉल एस से सीन आता है, कैपिटल डी से डाल आता है, स्मॉल डी से दाल आता है, कैपिटल एफ से खड़ा जबर आता है, स्मॉल एफ से फे आता है। इसी तरीके से आप देखें एच से हे आ रहा है, एच से दो चश्मे हे आ रहा है। ये सारे लेटर्स हैं इसमें, आसानी से आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं इसका आसानी के साथ। तो चलें, आप काफ़ी हद तक कि आपको नॉलेज हो चुकी होगी कि कौन से लेटर से कौन सा उर्दू का, इंग्लिश के कौन से लेटर से और कौन से उर्दू का वर्ड आएगा। तो चलें देखते हैं हम कितनी कोशिश, आप कितनी कोशिश कर सकते हैं। क्लोज करते हैं यहाँ पे। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान लिखने के लिए तो सबसे पहले पे आता है, तो पे से पी को प्रेस कर रहा हूँ तो देखें पे आ रहा है। ये काफ़ी लेटर पी और पे मिल रहा है। ए को प्रेस करता हूँ, पी के बाद ए आता है, तो ए को प्रेस किया तो ये अलिफ आ गया। फिर काफ के से आ रहा है और सीन एस से आ रहा है, टी ते से आ रहा है, अलिफ ए से आ रहा है, नून पाकिस्तान। देखें कितने इजी से ये लिख लिया। आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है क्योंकि आप पहली दफ़ा टाइप कर रहे हैं, तो आप के लिए ज़रूरी है कि आप दोबारा एडिट में जाएं, प्रेफरेंसेस पे जाएं, कीबोर्ड प्रेफरेंसेस और इस कीबोर्ड फोनेटिक कीबोर्ड व्यू पे आप क्लिक कर सकते हैं, फोनेटिक कीबोर्ड व्यू पे क्लिक कर सकते हैं। ये देखें मैंने इस पर क्लिक करा, ये आ गया। देखें पी से जो है, स्मॉल पी से पे आ रहा है, अलिफ से, स्मॉल ए से अलिफ आ रहा है। इस तरीके से आप बार बार इसको चेक कर सकते हैं। क्लोज कर दिया, पाकिस्तान लिख लिया। इसी तरीके से अब अगर हम पाकिस्तान के बाद, ये मेरा मुल्क है, पाकिस्तान मेरा मुल्क है, तो पाकिस्तान मेरा मुल्क, पाकिस्तान मेरा मुल्क, या आप कर सकते हैं वतन भी, मुल्क है।
ये मैंने कितनी आसानी से इस पे मैंने एक उर्दू टाइपिंग कर ली। तो ये बेसिक चीजें हैं जिस पे अगर आप वर्किंग करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, तो आप उम्मीद है कि आपको आसानी से उर्दू टाइपिंग भी आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ मैं आप घर में ट्राई करेंगे। मेरी और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इंशाल्लाह अगले वीडियोस के अंदर मैं आपको और भी इससे रिलेटेड बातें बताऊंगा। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।